राम नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। बता दें कि इस बार सरयू नदी के किनारे राम की पैरी पर 21 लाख से भी ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य है। साथ ही 11 नवंबर को मनमोहक झांकियों के अलावा लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा। ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होने वाले अयोध्या का सातवां दीपोत्सव बेहद खास रहेगा। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए अयोध्या के सभी कॉलेजों से 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। बता दें कि 2017 में सबसे पहले दीपोत्सव के समय 1,80,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके बाद फिर 2020 में 5 लाख से ज्यादा, 2021 में 7,50,000 और 2022 में 15 लाख से ज्यादा दिए एक साथ जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया था। लेकिन इस बार फिर ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव के मौके पर 21 लाख से ज्यादा दिए जलाने का फैसला किया गया है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण राम की पैरी का लाइट एंड साउंड शो रहेगा। इसके लिए 200 फुट लंबी LED स्क्रीन लगाई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाएगा। इतना ही नहीं, इस बार दीपोत्सव के बाद से राम की पैड़ी पर 200 फीट बड़ी स्क्रीन पर शो को टेलीकास्ट किया जाएगा और शो में रामायण को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इसके अलावा राम कथा पर थीमेटिक गेट भी बनेंगे और लेजर शो और लाइटिंग से इनके थीम का प्रेजेंटेशन होगा। बता दें कि ये गेट आकर्षण का केंद्र रहेंगे और इस तरह के 7 गेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा दीपोत्सव में टूरिस्ट विभाग की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी जो रामायण के 7 अध्याय पर आधारित होंगी। साथ ही एक राम रथ की झांकी निकाली जाएगी और ये सभी झांकियां साकेत महाविद्यालय से प्रारंभ होकर नया घाट तक जाएंगी। झांकियों को सजाने का काम भी शुरू हो गया है। योगी सरकार की ये पहल संस्कृति और अध्यात्म के संगम का काम करेगी। 9 से 11 नवंबर तक यहाँ उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। यहाँ एक तरफ जहाँ आध्यात्मिक यूपी दुनिया में नया मुकाम बनाएगी, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक यूपी लोकगीतों और लोक संस्कृति के जरिए अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। CM योगी ने राम नगरी में अपनी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था। कैबिनेट की बैठक के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से रहमा की रिपोर्ट।